प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको पद्मकर की काव्य कला के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूंगा। पद्मकर हिंदी साहित्य के रीतिकाल के अंतिम चरण के एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में रीतिकाल में माने जाते हैं। कवि पद्मकर आचार्य और कवि दोनों साथ साथ हुए हैं। जैसा कि रीतिकाल में कहा जाता है कि इसके जो जितने भी कवि हुए हैं वो कवि और आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति इनमें विद्यमान रही थी, तो कवि पद्माकर पर भी यह नियम लागू होता है। अगर आचार्य की दृष्टि से पद्माकर जी के काव्य को देखा जाए तो पद्माकर जी के तीन काव्य हैं, जिसमें जगत विनोद, रसमंजरी और पद्माभरण, यानी ये तीन ऐसे इनके ग्रंथ हैं जिनके आधार पर इनको आचार्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इनमें रसों का, छंदों का, अलंकारों का आदि का पूरा गहन विश्लेषण और चिंतन किया गया है, इसलिए पद्माकर जी को हम कवि के साथ साथ आचार्य भी कह सकते हैं। और इसके बाद में कवि तो वो थे ही, और इन्होंने कहा जाता है कि ये अनेक राजाओं के आश्रय में रह करके अनेक ग्रंथों की रचना करी थी, जिसमें जगत विनोद है, कई इनकी रचनाएं हैं जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हिम्मत बहादुर विरुदावली है, प्रताप सिंह विरुदावली है, आली जाह प्रकाश पचासा, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, हितोपदेश और वचनिका आदि प्रमुख हैं। तो इसके आधार पर इनकी जो रचनाएं हैं वो उन्हें कवि और आचार्य दोनों बना सकती हैं। अब हम देखेंगे पद्माकर की काव्य कला, यानी काव्य कला को हम काव्य सौष्ठव के नाम से भी जान सकते हैं, और कहा जाता है कि इसको भावपक्ष और कलापक्ष के बारे में भी हम इसे जान सकते हैं। तो कोई भी जो कवि होता है, तो कवि जो अपनी भाषा है और उसके माध्यम से भावों को प्रकट करता है, तो वो तो उसका भावपक्ष होता है, और जब वो अपने काव्य को एक मूर्त रूप प्रदान करता है उसमें, यानी अच्छी अच्छी कल्पनाएं करता है, व्यंजनाएं करता है, भाषा लिखता है, शैली लिखता है, छंद लिखता है, अलंकार लिखता है, तो वो उसका एक कलापक्ष होता है। तो भावपक्ष और कलापक्ष की दृष्टि से अगर रीतिकाल के कवियों का अध्ययन किया जाए तो इन कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से पद्माकर जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। भावपक्ष, अब भावपक्ष को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पद्माकर जी का जो काव्य है वो काव्य भावों की दृष्टि से किस प्रकार का है। तो भाव, यानी सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का ही अच्छा वर्णन किया है, लेकिन इनको सफलता संयोग श्रृंगार में ही मिली है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो भाव पक्ष है वो श्रृंगार है, भक्ति है और वीर रस की त्रिवेणी के रूप में इनका काव्य माना जाता है। यानी रीतिकाल के कवियों का अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो रीतिकाल में एक भूषण ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीरता को अपने काव्य में प्रमुखता दी, वीर प्रधान, यानी इन्होंने काव्य लिखा। और उसी के समानांतर भूषण को अगर छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल में पद्माकर जी भी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीरता को अपने काव्य में स्थान दिया, वीर रस को इन्होंने महत्वपूर्ण अपने काव्य में स्थान दिया था। तो इस प्रकार से संयोग श्रृंगार, यानी संयोग श्रृंगार की दृष्टि से इनका जो भाव पक्ष है वो भाव पक्ष बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो पद्माकर जी के कवित्व की प्रशंसा इस प्रकार की है कि इनकी मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्षानुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर अन्य किसी भी कवि में नहीं पाई जाती। तो शुक्ल जी के इस कथन के अनुसार पद्माकर एक
सहृदय और सरस कल्पना वाले कवि सिद्ध होते हैं। इनके शब्द और दृश्य योजना बहुत आकर्षक है। यही कारण है कि रीतिकालीन काव्य परंपरा का अनुसरण करने पर भी इनकी कविता में अनावश्यक अस्वाभाविक तथा हास्यास्पद उक्तियां नहीं मिलती। इनकी कविता एक सच्ची और स्वाभाविक प्रेरणा लेकर लिखी गई है। पद्माकर की कल्पना स्वच्छ और उदात है। इसके बारे में और भी कहा जाता है कि रीतिकाल के रस सिद्ध कवि बिहारी सूक्तियों की रचना करने और उक्तियों के चमत्कार में अद्वितीय हैं, किंतु रस निष्पत्ति में भी पद्माकर से भी पीछे कहे जा सकते हैं। पद्माकर की रचनाओं में भावों की सुंदर अभिव्यंजना तथा रस की समग्र निष्पत्ति हुई है। रीतिकाल के कवि में पद्माकर को इसलिए भी श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है कि उनकी रचनाएं सहृदय समाज के लिए अनुभूतिमय है और काव्य रसिक इन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार से पद्माकर जी का जो काव्य है वो भावों की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उनके भावों को लेकर के ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जो इनके कवि और आचार्य दोनों बनने के लिए श्रेष्ठ सहायक सिद्ध होती हैं। अब हम इनके काव्य के बारे में हमने भाव पक्ष के अंतर्गत यानी एक रसों के बारे में जाना, तो रस यानी श्रृंगार रस के बारे में मैंने बताया। तो श्रृंगार रस इनके काव्य का मुख्य बिंदु हम कह सकते हैं। इसी के साथ अगर इनके काव्य का अध्ययन किया जाए तो हमें इनके काव्य में यानी भक्ति भावना को भी देखा जा सकता है। तो भक्ति भावना इनके काव्य में किस प्रकार से है, यानी ज़्यादातर रीतिकाल के जो कवि हुए हैं वो कवि यानी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप इस संसार में हमारा उद्धार कर दीजिए। तो पद्माकर जी रीतिकाल में एक ऐसे कवि हुए हैं जो अपने इष्ट यानी श्री राम को मानते हैं, और श्री राम वैसे दोनों ही ये अवतारवादी हैं, श्री कृष्ण और राम, लेकिन वे अपने काव्य में राम को ही ज़्यादा महत्व देते हैं और कहते हैं कि जब भी कोई कष्ट आता है तो इस संसार में रक्षा करने वाले भगवान राम के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं जो हमारी रक्षा कर सकता है। तो इसके संबंध में इन्होंने कहा भी है कि भक्ति विषयक रचनाओं में इन्होंने राम पर अटूट विश्वास प्रकट किया और अपने जीवन के उद्धार हेतु विनती की है। जैसे इनकी रचना का एक उदाहरण है, कहां बार कहां पार जानी वे न जात कछु, दूसरो दिखात ना खेवैया और नैया को, बहन ने पे हो घेरी घाटें लगे हैं ऐसो, अमिट भरोसो मोही मेरे रघुरैया को है। तो इस प्रकार से अपने काव्य में यह बताना चाहते हैं कि मुझे मेरा इष्ट श्री राम ही प्रिय है और मैं श्री राम की भक्ति के गुणों का गुणगान करता हूँ। तो इस प्रकार से इनके काव्य की दूसरी विशेषता हुई इनकी भक्ति भावना। अगर इनके काव्य को और गहराई से देखा जाए और गहराई से अध्ययन किया जाए तो इनके काव्य की एक विशेषता है कि इनके काव्य में प्रकृति का भी सुंदर चित्रण हुआ है। जैसे प्रकृति का सुंदर चित्रण करने वाले तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में यानी छायावादी कवि हुए हैं और छायावादी कवियों ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, लेकिन इससे पहले भी इन्होंने प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन यानी दोनों रूपों में सुंदर और सरस वर्णन किया है। तो इस दृष्टि से अगर इनके साहित्य को देखा जाए तो भावों की दृष्टि से इनका साहित्य बड़ा ही सुंदर सटीक और उज्ज्वल है। तो भाषा की दृष्टि से अगर कला पक्ष में देखें तो हम दूसरे बिंदु पर आएंगे, इसकी कला पक्ष। तो कला पक्ष के बारे में तो कहा जाता है कि कोई भी जब कवि होता है लेखक होता है तो अपनी लेखनी के माध्यम से एक ऐसी भाषा प्रकट करता है, शैली प्रकट करता है, छंद प्रकट करता है और अलंकार प्रकट करता है। तो इन चारों के माध्यम से यानी वो अपनी विशेषता बता देता है कि वो किस प्रकार का कवि है और उनका काव्य किस दृष्टि में किस प्रकार से रखा जा सकता है। तो कला पक्ष की दृष्टि से अगर इनके काव्य का अध्ययन किया जाए तो निम्न बातें हमारे सामने आते हैं कि भाषा की दृष्टि से यानी अगर इनके काव्य की भाषा को देखा जाए तो इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है और ब्रज भाषा के ऐसे सुंदर सुंदर अक्षर हैं, शब्द हैं, ऐसी वर्ण योजना की है कि उनको पढ़ करके ऐसा लगता है मानो एक सुंदर रचनावली इन्होंने प्रस्तुत की हो और जिसमें
रमणीयता एवं स्वाभाविकता है। पद्माकर जी का शब्द चयन सुंदर, सुव्यवस्थित और सार्थक है। उन्होंने कुछ नवीन शब्दों का भी निर्माण किया है। प्रत्येक भाव के अनुरूप एक चित्र अंकित करता है। अन्य रीतिकालीन कवियों से पद्माकर की भाषा में अधिक सजीवता और प्राणमयता है। इनके काव्य में भाषा पर असाधारण अधिकार को देकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई देता है। कहीं कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की ललित इंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर द्रव से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती और तड़पती हुई चलती है, और कहीं शांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। इस कथन का सार यह है कि पद्माकर की भाषा में ये अनेक रूपताएं हैं जो एक महाकाव्य में होनी चाहिए। तो इस प्रकार भाषा की दृष्टि से अगर इनके काव्य को देखा जाए तो भाषा की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा के बारे में जो कहा है तो उनके काव्य को पढ़ करके वास्तव में ये उक्ति एकदम से फिट होती है कि उनको देखने पर उनके काव्य में एक संगीतात्मक सी, लयात्मक सी और गुणात्मकतात्मक सी प्रकट होती है। तो इस दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से इनका काव्य बड़ा ही सुंदर और सटीक है। अगर इनके कलापक्ष की दूसरी विशेषता देखी जाए अलंकार, तो अलंकार लिखने में भी इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैसे तो रीतिकाल में छंद और अलंकारों को लेकर के इनमें प्रतिस्पर्धा होती थी, जितने भी कवि होते थे उनमें होड़ होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा छंदों का प्रयोग मैं करूँगा, मैं अलंकारों का प्रयोग करूँगा। तो इसी कोटि में इन्होंने भी यानी अलंकारों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अगर अलंकारों की दृष्टि से देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार इनका बहुत ही आकर्षक अलंकार है, और अलंकारों के अलावा इन्होंने उपमा है, रूपक है, दृष्टांत है आदि यानी अलंकारों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और ऐसा करने से इनके काव्य में एक आचार्य का सा गुण प्रकट होता है। अनुप्रास तो इनका प्रिय अलंकार है, अनुप्रास के कारण इनके काव्य में प्रवाह है, संगीतात्मकता तथा ध्वनिव चित्रात्मकता आ गई है। अनुप्रास के बाद कवि का प्रिय अलंकार है यमक, यानी अर्थालंकारों का प्रयोग भी कवि ने किया है, किंतु भावोत्कर्ष के लिए ही। केशव या बिहारी की तरह अलंकार पाठक को शब्द जाल में नहीं फंसाते वरन उन्हें भाव की अनुभूति कराते हैं। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि पद्माकर का अलंकार विधान भी बहुत ही सुंदर है। अब अगर इनके कलापक्ष की तीसरी विशेषता को देखा जाए तो हमें यह देखने को मिलता है कि इन्होंने छंदों का जो प्रयोग किया है वो छंद भी इनके काव्य में बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत हुए हैं, और छंदों में सवैया और कवित का इन्होंने ज़्यादा वर्णन किया है, ज़्यादा प्रयोग किया है। पद्माकर के काव्य में छंदों का सहज एवं सुंदर प्रयोग हुआ है। वीर है, भक्ति है एवं श्रृंगार वर्णन के लिए तो छंद मुक्त काव्य की अभ्यंजना में उपयुक्त हो सकते हैं, उन्हीं का प्रयोग किया गया है। पद्माकर ने सवैया और कवित का ही प्रयोग अधिकतर किया है। वीर रस के आवेगमय चित्रण में उनका कवित छंद नाद सौंदर्य से परिपूर्ण है। उनके छंदों में लय, गति, यति और वर्णात्मकता का पूर्ण निर्वाह हुआ है तथा तुक मिलाने के लिए शब्दों की तोड़ मरोड़ नहीं है, उसमें प्रसंगानुकूल प्रवाह एक गीत है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पद्माकर जी का जो काव्य है वो काव्य सौष्ठव, काव्य कला, भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से बड़ा ही सटीक है, सुंदर है, और उसमें भाषा है, शैली है, छंद है, अलंकार है। इनका तो जैसे यानी रीतिवादिक कवियों ने प्रयोग किया ही है तो वो एकदम से बहुत ही अच्छा इनका प्रयोग हुआ है। और भाव की दृष्टि से अगर इसमें देखा जाए तो रस विधान है, इनकी भक्ति है, उनका प्रकृति चित्रण है, वो भी इस काव्य में प्रकट हुआ है। और इस दृष्टि से पद्माकर जी का रीतिकालीन कवियों में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। हालांकि इस काल में केशव है, घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, चिंतामणि त्रिपाठी है, देव है, तो इस प्रकार से यानी खूब सारे कवि हुए हैं, लेकिन अगर इनके आचार्यत्व को देखा जाए, कवि और आचार्य बनने की होड़ को देखा जाए तो वास्तव में ये एक ऐसे कवि हैं
जिनका काव्य बड़ा ही उच्च कोटि का काव्य है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करूंगा। धन्यवाद।